लेकिन भाइयों बहनों, पूरे हिंदुस्तान ने जयप्रकाश जी की जयंती भ्रष्टाचार के खिलाफ संकल्प करके मनाई है। लेकिन जो उन्हीं के चेले कहे जाते हैं, जिन्होंने जयप्रकाश जी की उंगली पकड़ करके राजनीति में आए थे, जो दिन रात जयप्रकाश जेपी जेपी बोल करके राजनीति करते रहते थे, उन्होंने कल जयप्रकाश जी का जन्मदिन कैसे मनाया? कैसे मनाया? मैं तो टीवी पे देखा, रात को मुंबई से आने के बाद 4 लाख रुपया, जेपी के जन्मदिन पर जेपी का विरासत का दावा करने वाले भाइयों बहनों, जेपी के जन्मदिन पर जेपी का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ होगा, कभी नहीं हुआ होगा। भाइयों बहनों, जब तक भारतीय जनता पार्टी यहां सरकार का हिस्सा थी, तब तक तो कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं हुआ, तब तक तो कोई भ्रष्टाचार की घटना न घटी। लेकिन जैसे ही ये महाशय ने नए जोड़ीदार ढूंढ लिए, जिनका इतिहास इन्हीं कामों में मशहूर है और जिन कामों को न्यायालय ने भी थप्पा मार दिया है, सारी बाजी बिगड़ने लगी, लोग बिगड़ने लगे, उनके कारनामे बिगड़ने लगे। भाइयों बहनों, यही चला तो बिहार में कुछ बचेगा क्या? आप मुझे बताइए, बचेगा क्या? ये रुपयों का खेल चलता रहेगा तो आप पैसे कहां से लाओगे मेरे भाई? आप 4 लाख रुपए कहीं से ला पाओगे देने के लिए? आपको नौकरी चाहिए तो 4 लाख रुपया ले पाओगे क्या? आपको कोई काम करवाना है तो 4 लाख रुपया ला सकते हो क्या? अगर 4 लाख रुपए की बोली बोली जाती है, हिसाब किताब उस प्रकार से होता है और सरकार में रहते हुए होता है, तो भाइयों बहनों, जयप्रकाश जी को अगर सच्ची श्रद्धांजलि देनी है, इस पाप के साथ जिस राजनीतिक दलों का संबंध है, इस पाप के साथ जिस गठबंधन का संबंध है, पूरे बिहार में चुन चुन करके ऐसे लोगों को साफ कर दो मेरे भाई।